सब जो डॉक्यूमेंटेशन हमने किए हैं उसके सब। सर मेरी मांगे कुछ नहीं है, मुझे सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा अपना पैतृक निवास चाहिए जहाँ से मेरे कब्जे से हम लोगों को हटाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जो हैं हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, पूरा हमारा परिवार व्यथित घूम रहा है। तो जो हमारे पति के द्वारा बनाई हमारे कब्जे की जमीन है, दीवार है, वो हमको वापस दे दी जाए। सर इसके अलावा कुछ ना हमें अनुदान अब चाहिए, ना हमें कृषि योग्य जमीन, हमें कुछ भी कोई भी मांग नहीं है। बस हमारा सम्मान इसी में रखा जाए कि हमें वो जमीन दे दी जाए हमारे कब्जे की। आपके जिला प्रशासन आपकी बात भी नहीं मानेगा तो क्या? सर हम आगे और कोशिश करेंगे। क्यों नहीं मान रहा है? क्या आपकी बात हुई थी जिला अधिकारी या वहाँ भी किसी बड़े अधिकारी से? उन्होंने क्या सर अभी तक तो कोई नहीं मांग रहा, अभी तक तो बोल रहे हैं कि आप थोड़ा पीछे हट के अपना जो है बना लो दीवार। कैसा दबाव बनाया है सर? बार बार बुलाते हैं, उसके बाद भी यही समझाते हैं कि आप पीछे हट के थोड़ा दीवार बना लीजिए, आप सेफ हो जाएंगे। और लोग हैं वो जो सर अधिकारी लोग, दबंग लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, संरक्षण प्राप्त कोई नाम है नहीं, हमें नाम नहीं पता है सर। कितने लोग हैं? लगभग 3-4 लोग हैं और दबंग टाइप के हैं वो सब। तो अब वो सरकार में ही है या अलग से प्राइवेट है? अलग है, उनको सपोर्ट कर रही है प्रशासन। पूर्व मंत्री का वो जैसा कि वो खुद कहते हैं कि हमें पूर्व मंत्री का संरक्षण प्राप्त है और तुम चाहे जहां चले जाओ, अब ये जमीन मेरी है, इसको कोई छीन नहीं सकता। पूर्व मंत्री का नाम? पूर्व मंत्री का नाम क्या था ये बताइए, नाम बताइए। राममूर्ति यादव और कोई एक कोई वर्मा, राममूर्ति वर्मा और एक क्या नाम था, हीरालाल यादव सपा। और जहाँ वो ये भी कहते हैं कि जिला अधिकारी हमारा आदमी है और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, हम जो चाहेंगे वो करेंगे।